यहाँ से देखो मॉल की एंट्री यहाँ पे गई, लिखा भी हुआ है द शॉप्स एट मरीना बे सैंड्स। आप यहाँ से जा सकते हो, पूरा मॉल आगे तक है। और गाइस सो सिमलिम स्क्वायर के अंदर आ चुके हैं, उसके अंदर एक गेमिंग स्टोर मेरे को मिल गया फाइनली। एंड मैं जस्ट अपने लिए एक माउस देख रहा हूँ, कैसे ये मतलब पीसी का डिज़ाइन देखो, लाइक कस्टम बिल्ड है ये। एंड आई गेस ये लिक्विड कूल है एंड इट्स लाइक अमेजिंग बिल्ड। ऐसे दो तीन पीसीस पड़े हुए यहाँ पे, एक आप इधर भी देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो मैग्निफिसेंट पीसी। इसके अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा? अभी हम लोग हैं मरीना बे सैंड्स में एंड मैं ब्लॉग यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज घर पे कुछ इतना कुछ खास किया नहीं। सो वी हैव कम आउट फॉर अनदर लंच एंड आज हम लोग प्लान कर रहे हैं थोड़ा रामेन वगैरह खाने का। सो यार अ लॉन्ग डे शेड्यूल्ड हेड, बहुत कुछ करने वाले आज एंड थोड़ा सा टेक का सामान भी खरीदना है मेरे को, गेमिंग पेरिफेरल्स खरीदने मेनली, तो भी देखना है। बट फिलहाल चलते हैं एंड थोड़ा टाइम सिनेमैटिक्स रिकॉर्ड नहीं किए, यहीं से ब्लॉग स्टार्ट किए, इसके बाद आपको सिनेमैटिक्स भी देखने को मिलेंगे। और गाइस सो अभी हम लोग यहाँ से आए, मरीना बे मॉल है एंड मैं आप लोग को दो तीन चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो द व्यू, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ पे एक लुई विटॉन का शोरूम है एंड इस साइड पे आप लोग देख सकते हो ये जो बिल्डिंग है, दिस इज अ साइंस म्यूजियम। उस साइड पे गाइज आपको एक ग्लोब दिख रहा होगा, दैट्स एन एप्पल स्टोर एंड उस साइड पे आपको अंदर जाके भी दिखा दूंगा मैं एंड वहाँ से जाना पड़ेगा। हम लोग अभी यहाँ से हैं, सो या आई एम जस्ट हेयर टू टेक सम सिनेमैटिक्स। आई होप आप लोग को व्यू अच्छा लग रहा हो, मज़ा आ रहा है गाइज। वेदर गर्म है, एकदम ह्यूमिड वेदर है बट द स्काई मतलब क्लाउडी है लेकिन वैसे क्लियर है। बारिश वारिश हुई थी, कल हुई थी बारिश, आज तो बिल्कुल भी बारिश का कोई सीन नहीं है। ओके सो मैं अभी आप लोग को जहाँ से व्यू दिखा रहा था वो ईस्ट साइड पे था, स्टेयर्स के आसपास है ना। अभी हम लोग उस साइड जा रहे हैं एप्पल स्टोर की तरफ, हो सकेगा तो आपको दिखाता हूँ। आपको जो पीछे का इस बिल्डिंग्स दिख रही है ना, दिस इज़ ऑल द ऑफिशियल एरिया ऑफ सिंगापुर। यहाँ पे सारी कंपनीज हैं एंड ये सारी हाई राइज बिल्डिंग्स आर ऑल ऑफिस एंड हाँ दिस इज़ द मेन एरिया। आप लोग कंपनीज के नाम भी देख सकते हो, यहाँ पे है HSBC है, DBS बैंक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से मरलाइन भी दिख रहा है हमको, काफी दूर है लेकिन छोटा सा दिख रहा है बट हाँ क्लियरली दिख रहा है। यहाँ से देखो मॉल की एंट्री यहाँ पे गई, इस लिखा भी हुआ है द शॉप्स एट मरीना बे सैंड्स। आप यहाँ से जा सकते हो एंड पूरा मॉल आगे तक है। तो इस मॉल में गाइस काफ़ी सारे डिज़ाइनर ब्रांड्स भी है, सो जिसको भी लगी थी ये स्टफ खरीदना वो यहाँ पे आ सकता है एंड यू विल फाइंड प्रीटी मच एवरीथिंग हियर। एंड हाँ बहुत सारे ब्रांड है, कुछ तो आपको दिख गए होंगे सिनेमैटिक्स में, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। गेस है, डीके एनवा, डॉल्चे एंड गबाना और बहुत सारी चीज़ें, सो आप लोग आप आ सकते हो यहाँ पे एंड यू कैन चेक आउट ऑल द ब्रांड्स जो भी आप लोग को लेना है। सो या सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ब्रेड स्ट्रीट नाम का गॉर्डन रामसे का रेस्टोरेंट है, उसकी फोटो भी लगी हुई है बाहर। सो या यू गाइस कैन ऑल्सो कम हियर, वो सेम मॉल के अंदर ही है एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस, मैंने दिखा दिया। और यहाँ पे गाइस पंजाब ग्रिल भी है, सो जिसको इंडियन खाना है वो यहाँ पे भी खा सकता है। जैसे चाइनीज रेस्टोरेंट मिलता है पर उसके बिल्कुल राइट में पंजाब ग्रिल। सो या हम लोग नहीं खाने वाले बट या टू गाइस शो यू गाइस। सो अभी हम लोग उसी डोम के अंदर जा रहे हैं एप्पल वाले, जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था ना गाइस, वहीं से एस्केलेटर से ऐसा कुछ एंट्रेंस था एंड अभी आप लोग सीधा ऊपर उस डोम के अंदर जा रहे हैं। नीचे तो अटैचमेंट्स वगैरह थे, आईफोन्स रखे हुए थे, मेनली आपको डोम दिखाता हूँ मैं।
गाइस एप्पल स्टोर से व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, इट्स ऑन द वाटर एंड या गोल्ड डोम है एंड पूरा वही व्यू है जो मैं आप लोग को बाहर से दिखा रहा था। इट्स जस्ट दैट आप लोग को अगर एक एक्सपीरियंस लेना है एप्पल स्टोर का ऐसा कुछ तो आप आ सकते हो, एंड अगर कुछ भी स्टफ खरीदना तो ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज अवेलेबल है। केबल्स और अडेप्टर्स देख रहा था, वो सारे अडेप्टर्स अवेलेबल है ऑफलाइन जो कि इंडिया में नहीं अवेलेबल होते हैं, एंड आप मतलब आके चूज कर सकते हो, देख सकते हो फिजिकली कौन सी चीज़ आपको लेनी है एंड देन यू कैन गो फॉर इट। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तो मेनली मिल जाते हैं, जो चार्जिंग केबल्स कनेक्शन और अडेप्टर्स होते हैं उसका रहता है, तो वो भी यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। देखो नोएडा में भी ये चीज़ होती है एंड यहाँ पे भी बोटिंग हो रही है मॉल के अंदर, तो एक छोटा सा वेनिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रखा है, इसके अंदर बोटिंग कर सकते हो आप लोग। सो ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, अजीब लगेगा, बट हाँ आप देख सकते हो, सो इट्स लाइक दिस एंड ये पूरा आगे तक है। यस और गाइस यहाँ से फ्री हो चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ एंड उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं तो सर टेक का सामान खरीदने के लिए सिमलिम स्क्वायर के अराउंड। एग्जैक्टली जगह नहीं पता मेरे को, तुम लोग सिनेमैटिक्स एंजॉय करो, सीधा जगह पे पहुँच के मिलते हैं। सो सिमलिम स्क्वायर के अंदर आ चुके हैं, उसके अंदर एक गेमिंग स्टोर मेरे को मिल गया फाइनली एंड मैं जस्ट अपने लिए एक माउस देख रहा हूँ। मेरे को लेने तो तीनों चीज़ें हैं, कीबोर्ड, हेडफोन्स, बट आई एम थिंकिंग मैं जी प्रो ही ले लेता हूँ, बिकॉज इट्स गोना बी लाइक हाथ में सही है, यहाँ पे लाइक आई कैन फील इट ऑल्सो। सो यहाँ पर रेजर का भी एक माउस है एंड यू कैन जस्ट फील इट, कीबोर्ड भी है, दिस इज अ मेम्ब्रेन कीबोर्ड एंड वायर्ड माउस है, आई एम लुकिंग फॉर अ वायरलेस वन। रेजर के बाकी माउसेस उस साइड पे है, सो मैं लॉजिटेक ही देख रहा हूँ बिकॉज माउसेस में बेस्ट आर लॉजिटेक। सो हेडफोन्स भी नीचे की साइड पे है, पहले माउस फाइनल करते हैं फिर बाकी दोनों चीज़ें को देखते हैं। सो यहाँ पर 40 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स भी आ चुके ऑलरेडी एंड मैंने माउस और माउस पैड लिया बस यहाँ ही से, एंड यहाँ से कुछ शॉप आप लोग देख सकते हो, प्रेटी गुड शॉप, बहुत कुछ सामान मिल जाएगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट पेरिफेरल्स तो काफ़ी अच्छे थे एंड यहाँ बाकी सब सामान भी है यहाँ पे। कैसे ये वाले पीसी का डिज़ाइन देखो, लाइक कस्टम बिल्ड है एंड आई गेस ये लिक्विड कूल्ड है एंड इट्स लाइक एन अमेजिंग बिल्ड। ऐसे दो तीन पीसीस पड़े हुए यहाँ पे, एक आप इधर भी देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो मैग्निफिसेंट पीसी। इसके अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड लगा, छोटा ही कार्ड लगा, उसके अंदर 30 सीरीज का लगा हुआ, 3060 या 3070 है, बाकी लिक्विड कूल्ड है ये भी। इसका ये फैन लूज है, पता है हल्का सा लूज है, लॉल। बाकी स्टोर बहुत अच्छा है, उधर अपना थोड़ा सामान पैक हो रहा है, कॉपीराइट नहीं चाहिए एंड यहाँ पे भी ये लियन ली का होगा एंड ये तो काफ़ी, ये इंडिया में अवेलेबल होते हैं ये वाले कैबिनेट्स। और गाइस सो माउस और माउस पैड खरीद लिया एंड प्राइस इंडिया से हल्का सा सस्ता है, बट वाइट माउस मिल गया जी प्रो की बोल रहा हूँ मैं बार बार, जी प्रो, सो वाइट में मिल गया एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी दो चीज़ें लेनी और है, हेडफोन्स और कीबोर्ड, बट वो मैंने यहाँ से नहीं लिया बिकॉज आई थॉट इतना कीबोर्ड की मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं, हेडफोन्स यहाँ पे थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले थे, मैं थोड़े चीपर भी ले सकता हूँ वायरलेस। सो या और एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारे फ्लोर्स इस बिल्डिंग में, लिटरली द फर्स्ट स्टोर वी गॉट इनटू, वी गॉट आर मेन थिंग जो मुझे ढूंढ रहा था मैं जो, एंड यहाँ पे आप पीसी बिल्ड करा सकते हो, फोन्स, लैपटॉप्स, लिटरली एवरीथिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स दैट यू वांट विल यू विल गेट हियर, है ना। अभी देखते कहाँ जाने क्या करना है। यहाँ पे गाइस ऐसा है कि स्पोर्ट्स करके सेक्शन भी है, आप लोग आ सकते हो यहाँ पे एंड लाइक यू कैन चेक आउट, वैलोरेंट का लोगो है, इसके अंदर आप खेल सकते हो, देख सकते हो आपको कौन से पीसी पे लाइक कंफर्टेबल है एंड आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। सो आपको पूरा सेटअप मिल जाएगा यहाँ पे एंड प्राइस भी है ऑफ द पीसी एंड उसके स्पेक्स भी होंगे, सो यू कैन जस्ट चेक आउट एंड जो भी आपको पसंद हो उस पर आप खेल सकते हो, टेस्ट कर सकते हो एंड उसके बाद परचेज कर सकते हो फ्रॉम दिस शॉप जो कि सी आर ग्रुप, यहीं से मैंने भी अपना सामान खरीदा है। सो अभी हम लोग ऊपर थे, वहाँ पे आपको आरजीबी लाइट दिख रही होगी वहाँ पे एंड अभी नीचे आ गए हैं, ये एक जनरल सा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी केबल्स, वायर्स एंड होम अप्लायंसेस वाली सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, दीज आर लाइक कंपैरेटिवली चीपर
तो मैं भी देख रहा हूँ जस्ट कुछ अगर ऐसा एकदम से क्लिक कर जाए, अदरवाइज इट्स नॉट माय थिंग जो मुझे चाहिए। एंड हेडफोन्स भी मेरे को मिल गए, मैं घर जाके आप लोग को दिखाऊंगा खोल के ढंग से, या फिर इंडिया में जाके, वो डिपेंड करता है। बट हाँ, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो आर नेक्स्ट स्टॉप इज गोन बी डीकैथलॉन। अपना टेक का सामान ले लिए एंड अभी डीकैथलॉन में चलते देखने के लिए। वैसे तो बहुत बड़े बड़े स्टोर वहाँ पे भी है, लेकिन दिस इज ऑल्सो मैसिव स्टोर फ्रॉम व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम द आउटसाइड। देखते कुछ काम का मिलेगा तो यहाँ से भी ले लेंगे, कुछ यूनिक मिलेगा तो भी, विल सी। एंड आई विल शो यू गाइस जो भी कुछ अच्छा देखने को मिलता है। सो थोड़ी बहुत टी शर्ट्स और शॉर्ट्स खरीद लिए, तुम लोग नीचे देख सकते हो। एंड काफ़ी कुछ सिमिलर भी है एंड काफ़ी कुछ चीज़ें अलग भी है। बहुत बड़ा स्टोर है जैसा कि लोग देख सकते हो, सारा तो मैं दिखा नहीं सकता बिकॉज अभी हम लोग निकल रहे हैं। बट हाँ, काफ़ी वेराइटी है। ऑल्दो इंडिया में भी डीकैथलॉन के स्टोर्स काफ़ी बड़े हैं, बट यहाँ पे जो हमको समझ आया वो हमने ले लिया। मेरे टी शर्ट्स और मेरी शॉर्ट्स लिए क्योंकि भाई समर्स आ गई है एंड समर्स के लिए शॉर्ट्स आ वेरी इंपॉर्टेंट। सो या वी गॉट इट इन अ गुड प्राइस। बाकी एक एक चीज़ आप लोग को नहीं दिखा पाऊँगा, बट हाँ ओवरऑल व्यू ऐसा कुछ है डीकैथलॉन का। And yeah, it's pretty huge warehouse, it's big. सो अभी जस्ट घर पे आए एंड मैं तुम लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ बिकॉज दो दिन से स्काई वॉज नॉट क्लियर, कोई तो अच्छे से दिख नहीं रहा था। अभी तुम लोग को दिखाता हूँ। सो जो तुम लोग को अभी दिख रहा है ना, दिस इज द ईस्ट कोस्ट ऑफ सिंगापुर एंड वो जो तुम्हें आगे माउंटेन्स और लैंड एरिया दिख रहा है ना, दैट इज़ एक्चुअली द लैंड ऑफ इंडोनेशिया। तो मुझमें सी है एंड उस साइड पर जो है इंडोनेशिया है एंड हम कहीं यहाँ पे हैं। ये व्यू तो आप लोगों ने देख ही लिया है। सो हाँ, अभी क्लियरली दिख रहा है तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा देता हूँ। एंड अभी टाइम हो रहा है अराउंड 5 o'clock। सो अच्छी खासी धूप है अभी तो, ऑल क्लियर स्काई। सो जो तीन चीज़ें मैंने मेनली खरीदी हैं सिमलिम स्क्वायर से, वो है लॉजिटेक जी प्रो, रेजर के बैरकुडा एक्स वायरलेस हेडसेट्स एंड G440 माउस पैड, जो कि एक हार्ड माउस पैड है। सो इसकी प्राइसेस मैं आपको जब टैक्स या इस पे से हट जाएगा तो बताऊंगा। अभी के लिए इनको यहीं रखते हैं एंड चलते हैं बाहर आर्यमन के साथ। एंड या ऑलराइट गाइस, सो साइकिलिंग करके आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, साइकिलिंग वाला पार्ट पिछले व्लॉग में ऑलरेडी जा चुका है एंड ये वाले व्लॉग में मैंने नहीं डाला है। सो ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज पिछले वाले व्लॉग में एक्टिविटीज़ कम की थी, इसलिए उस वाले में आप लोग वो वाला पार्ट देख सकते हो। जिसने नहीं देखा सेकेंड व्लॉग वो जाके अभी देख ले। एंड ये वाला पार्ट व्लॉग मेनली शॉपिंग का था। सो मैंने जैसा कि आप लोग को बोला था कि शॉपिंग करने का ही रखा जाएगा, तो वैसे ही कुछ रखा है। ये सारा कुछ सामान खरीदा है एंड ये मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा। हेडफोन्स ये और ये आपको घर जाके देखने को मिलेगा। कोई रिव्यू वगैरह नहीं करने वाले, बट थोड़ा बहुत जनरली मैं आपको बता दूंगा अगर आपको ये ख़रीदना है तो खरीद सकते हो और किसको ख़रीदना चाहिए। सो आई विल बी एंडिंग दिस ब्लॉग राइट हियर। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ब्लॉग को एक लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लो चैनल को इसी ऐसे ब्लॉग्स के लिए। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट, हैव अ गुड डे, गुड नाइट एंड एंजॉय योरसेल्फ्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।